देश में क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का प्रतिबंध है या नहीं, प्रतिबंध को लेकर कोई नियम मौजूद भी है या नहीं, ऐसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपना रुख साफ करें, भारत में बिटकॉइन वैध है या अवैध। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। दरअसल ये पूरा मामला अमित भारद्वाज और उससे जुड़े 87,000 बिटकॉइन को लेकर है। आरोपी का दावा है कि देश में बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं है और इसी के चलते वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से जांच में सहयोग करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। दरअसल बिटकॉइन मामले में मार्च 2018 में अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। लगभग एक साल बाद अप्रैल 2019 में उसे जमानत दे दी गई। अमित पर आरोप है कि वो बिटकॉइन का व्यापार कर रहा था। उसने 10% मुनाफे की गारंटी वाली MLM स्कीम भी चलाई और लोगों से निवेश कराया।